थ्रोची से मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार हाफिज अहमद रजा ने मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार राजा आफ्ताब हुसैन कोता की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि यूनियन काउंसिल थ्रोची से टिकट के 5 उम्मीदवार थे, मगर टिकट किसी एक को ही मिलना था। टिकट न मिलने पर दुख हुआ, मगर चेयरमैन राजा रियासत खान के फैसले और जमात की मजबूती के लिए मैं राजा आफ्ताब हुसैन कोता की मुकम्मल हमायत का ऐलान करता हूँ और बाकी तमाम दोस्तों को भी मिलकर साथ चलना होगा, इसी में हम सबकी बेहतरी है। वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज गया क्या लोहो कलम तेरे हैं। सरे महफिल जो बोलूं तो दुनिया को खटकता हूं, सरे महफिल जो बोलूं तो दुनिया को खटकता हूं, खामोश रहूं तो अंदर की बगावत मार देती है। स्टेज की जीनत बने हमारी आन हमारी शान। जनाब हमारे पार्लियामानी लीडर राजा रियासत खान साहब और इनके साथ आए हुए तमाम मेहमानाने ग्रामी आफ्ताब पोता साहब और इस स्टेज पे बैठे तमाम काबिले कदर और काबिले एहतराम आफ्ताब पोता साहब, स्टेज की जीनत बने जितने भी हमारे मेहमान और इस पिंडाल की जीनत बने हमारे मेहमान आने ग्रामी, मेरे दोस्त मेरे बुजुर्ग और जिन्होंने मेरी काल पे लब्बैक कहा। वैसे ये जो मीटिंग काल की गई वो मशावरती मीटिंग थी, जमात के हवाले से मशावरती मीटिंग थी। आप लोगों के तामन से आप लोगों की आमद से ये एक जलसा की शक्ल अख्तियार कर गई। हम बलदियाती इलेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के 5 उम्मीदवार थे, टिकट की दरखास्तें जमा की कराई, टिकट के हुसूल के लिए हमने कोशिशें की, टिकट बेसिकली एक ही आदमी को मिलना था। चेयरमैन राजा रियासत खान साहब ने वो टिकट आफ्ताब पोता साहब को दे दिया। बीच में कुछ इबहाम था, कुछ बातें थी जो मेरे इल्म में नहीं थी, पर जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मैंने एक बात कही थी कि हमें इतमाद में नहीं लिया गया। जब चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई, आप मेरे घर आए, कुछ बातें इनसे क्लियर हुई, तो मुझे ये पता चला कि हमें थोड़ा थोड़ा हर चीज का इल्म था। गुलपर के मुकाम पे मियां तार साहब भी मौजूद थे, आफत फवाद साहब भी मौजूद थे और बेशुमार हमारे वहां हाल भरा हुआ था। वहां कुछ बातें हुई, मैंने भी कुछ बातें की। जब हम बाहर आए तो हमारे आफ्ताब पोता साहब मौजूद थे, काबिले कदर हमारे तारक साहब भी मौजूद थे और मैं भी वहां मौजूद था। वहां हमारी ऐदो पैमान हुआ, ऐदो पैमान ये हुआ था कि चेयरमैन राजा रियासत खान साहब जिसको भी टिकट देंगे और हम टिकट होल्डर की सपोर्ट करेंगे। ये बात कान का रिकॉर्ड है। वहां बेशुमार आदमी मौजूद थे, हमारी तरफ से भी बंदे गए हुए थे, गुलपर में भी बंदे मौजूद थे, वहां सब हम इकट्ठे होके ये ऐदो पैमान हमने वहां किया था। फिर टिकट की तकसीम हुई, आफ्ताब पोता साहब को टिकट मिला, मैं भी एक टिकट के लिए उम्मीदवार था। दुख तो हर इंसान को होता है, टिकट की जो कोशिश करता है मेहनत करता है तकलीफ जरूर होती है, लेकिन जब वो ऐदो पैमान को मैंने देखा, वो बातें जो हाल के अंदर हमारी हुई थी जब उनको भी देखा, उसके बाद चेयरमैन साहब से मेरी और भी बातें क्लियर हुई।
तारक साहब के हवाले से कि उनके दरमियान जो बातें हुई, तारक साहब से हमारी मुलाकात भी हुई, वो तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आप लोगों के सामने पार्टी के उस टिकट होल्डर और पार्टी के फैसलों को आम करता हूं। अहमद राजा साहब, राजा रियासत साहब, इसलिए इंसान दुनिया में आया वो बहुत कम वक्त के लिए, कोई पता नहीं किस टाइम हमारी रूह परवाज कर जाए। मैंने ये सुना था कि अंदर आफ्ताब कोता साहब और तारक साहब के दरमियान जो बातें, मैं मौजूद नहीं था कि कलमा पढ़ के उन्होंने अख्तियार चेयरमैन साहब को दिया। फैसला हमें मंजूर है या नहीं, हमारे मुआफिक हुआ या नहीं, ये एक इलादा बात है। जब ऐद वो पैमान हमने कर लिया तो पार्टी के फैसलों को हमें आम करना चाहिए। रही बात तारक साहब की, वो हमारे बड़े भाई हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी तो आखिर दम तक ये कोशिश रहेगी और आखिरी दम तक हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो हमारे इस काफिले में शामिल हों। और इंशाल्लाह उम्मीद है जो हमारे काफिले में शामिल होंगे, हम कोशिशें कर रहे हैं। चेयरमैन साहब भी उनके घर गए हैं, बाकी भी अजीजों का अरब दोस्त अहबाब उनके घर गए हैं। आज उस हवाले से भी ये मेरी मशावती मीटिंग थी कि चेयरमैन साहब को ये मैं आप जुम्मेदारान की ड्यूटी लगाएं कि आप तारक साहब के हवाले से उनसे मीटिंग करें और हमें उम्मीद है कि वो हमारे काफिले में शामिल होंगे, क्योंकि हमारी इज्जत भी इसी में है और उनकी इज्जत भी इसी में है। आज अगर टिकट आफ्ताब कोता साहब को मिला, अल्लाह खैर करे चार साल के बाद या पांच साल के बाद दूसरी बार जब टर्न आया तो वो टिकट इंशाल्लाह हमें भी मिलेगा। कोशिश ये करेंगे कि जमात को कोई नुकसान ना पहुंचे, फैमिली खानदान को भी नुकसान ना पहुंचे, ये इंशाल्लाह हम सब की ये जिम्मेदारी है कि जो भी खदशात तहफात हैं उनको दूर करें, उनको दूर किए जाएं और एक मुठ होके जब हम चलेंगे हम सब की इज्जत होगी। तो आखिर में मैं आप तमामी अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मेरी कॉल पे लब्बैक कहा और आप आए। काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं, बातें तो बहुत करने का जी चाहता है। इंशाल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी टाइम को टाइम की मुख्तसर टाइम होने की वजह से मैं इसी पे इजाजत चाहता हूँ। वाहिर दावा अलहमदुल्ला।